अगर आप विदेश जाना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एक महिला नटवर लाल सक्रिय है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों का चूना भी लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सावधान महिला नटवर लाल से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में फैलाया है जाल, लोगों को बहला फुसला कर ठगे लाखों रुपए। ये तस्वीर है महिला नटवरलाल मोनिका सिंह की, जिसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों का चूना लगाया है। मोनिका ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लोगों को विदेश भेजने, नौकरी दिलाने और प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे और ऐसा नहीं कर पाने पर चेक भी दिए जो बाउंस हो गए। धोखाधड़ी के ऐसे ही मामले में मोनिका तिहाड़ जेल में बंद है। यमुनानगर की प्रीतपाल के साथ भी मोनिका ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए का चूना लगाया, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में शरण ली है। मोनिका सिंह ने एक फ्रॉड किया जी, जो मेरे से बाहर भेजने के, विदेश यूएसए भेजने के लिए मेरे से पैसे मांगे जी इसको, और वो मेरे साथ धोखाधड़ी करी जी, इसको पैसे लिए 6,85,000 रुपए, जबकि उसके 11 लाख में से तय की थी जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने इसको 6,85,000 रुपए दिए जी। अलग अलग शहरों के कई और लोगों ने मोनिका पर मामले दर्ज किए हैं। अम्बाला के एडवोकेट सुधीर सहगल के पास धोखाधड़ी, कबूतरबाजी के कई ऐसे मामले हैं जिन्हें मोनिका ने अंजाम दिया है। मोनिका सिंह एक बहुत चालाक किस्म की लेडी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पैसे लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करती है, जिसमें मेरे पास, मेरे को डॉक्टर रुपिंदर सिंह ने उनके खिलाफ केस दायर करने के लिए कोर्ट में एंगेज किया था। इकोनॉमिक सेल ने इस महिला के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मोनिका सिंह, वाइफ ऑफ डॉक्टर रुपिंदर सिंह, ने उसे 6,85,000 रुपए विदेश भेजने के नाम पर जेल और जिसकी शीघ्र जांच करके जो भी विधि पूर्वक साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके खिलाफ। महिला के जाल में फंस गया वकील, तब पुलिस हुई सक्रिय, महिला नटवर लाल पहुंची तिहाड़। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मोनिका बड़ी आसानी से लोगों को चूना लगाती रही। अब एक हाई प्रोफाइल वकील के साथ धोखाधड़ी करने पर वो पुलिस की गिरफ्त में आई तो उससे जुड़े तमाम मामलों का खुलासा हो रहा है। प्रवीण मुद्गल के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।